बैंक दूर से पुराने नोटों को नए नोटों में बदलने का खेल खेल रहे थे। बैंक अधिकारियों के इस खेल में कतारों में लगी जनता परेशान हुई और नतीजा यह है कि कालेधन वालों का पैसा तो सफेद हो रहा है, लेकिन जिनका हक, जिनकी हक की कमाई, उन्हें बैंकों के बाहर पुलिस की लाठियों का सामना करना पड़ता है। यूपी के अंबेडकर नगर में JK247 न्यूज के कैमरे में कैद हुआ एक ऐसा ही खेल। खेल खेलने वाले पंजाब नेशनल बैंक के मैनेजर दिनेश चड्ढा, पूरी रिपोर्ट आप देखिए। गले में राधे राधे नाम का गमछा और कुर्सी में बैठे ये जना, ये है यूपी के अंबेडकर नगर जिले के बुनकर नगरी टांडा के पंजाब नेशनल बैंक के मैनेजर दिनेश चड्ढा साहब। अपनी कुर्सी का जमकर फायदा उठाते हैं। तभी से टांडा के रहने वाले एक शख्स को अपने कैबिन में बैठाकर उसके पुराने 500 के नोटों को बदलकर उसे 100-100 रुपए की नई गड्डी हाथ में थमा देते हैं। बैंक लॉ के अनुसार बैंक से पैसे सिर्फ काउंटर पर जाकर ही बदलवाए या फिर निकाले जा सकते हैं, लेकिन यहां तो बैंक मैनेजर अपने कैबिन में अपने बैग से 100-100 रुपए की नई गड्डी को निकालते हैं और फिर दो नंबर से उसे साफ कर देते हैं। ये कानून खुद का बनाया हुआ है बैंक मैनेजर साहब का। दरअसल ये पूरी वीडियो टांडा के रहने वाले एक युवक ने बनाई है, जिसने बैंक मैनेजर की इस काली करतूत का भंडाफोड़ कर दिया है। चलिए सबसे पहले आपको बैंक मैनेजर और नोट बदलवा रहे शख्स के बीच क्या बातचीत हो रही है वो सुनाते हैं। कुशल मंगल है? सब बढ़िया। चलिए ठीक है। बड़े लोग हैं, गुल्लू हैं जी, कहीं ना कहीं से हो जाएगा। नहीं तो वो तो कह रहे थे कि आईडी डालने के लिए। आईडी में बड़ा दिक्कत है ना कि सब में स्याही लगाओ, फलाना करो। हाँ हाँ, आईडी का दूसरा ढंग निकाल देंगे हम। जी जी हाँ, ये सही है। आपने जो सुना ये बिल्कुल सच है, लेकिन स्टिंग ऑपरेशन करने वाले ग्राहक ने हमें यह भी बताया कि बैंक मैनेजर साहब कहते हैं कि जितना पैसा चाहो उतना हम सफेद कर देंगे, यानी कि पुराने नोट नए नोटों में बदल देंगे, लेकिन आईडी प्रूफ दे देना। हाँ, चौंकाने वाला एक और खुलासा तो तब हुआ जब ग्राहक ने पूछा कि साहब अगर आईडी ना हुई तो फिर। लो, बैंक मैनेजर ने उसका भी रास्ता बता दिया और कहा आप बस पुराने नोट ले आइए, हम किसी और तरीके से उन्हें बदल कर नए नोट दे देंगे और सब कुछ हो जाएगा। चलिए अब आपको बैंक मैनेजर और ग्राहक के बीच में हुई वो बात भी सुनाते हैं जिसमें ग्राहक को मैनेजर साहब ये कुछ बातें कहते हैं। जावेद भाई का काम हो गया, पैसे वाला सब आईडी नहीं दिए भी उन्होंने? नहीं, अब जावेद को कैसे पैसे करेंगे, शादी वाला आ जाएगा। नहीं, स्टेट में तो आ गया, हमारे यहाँ नहीं आया, वो पूरा बनेगा, पैकेज पूरा बनता है। अच्छा अच्छा अच्छा। बैंकों में बैकडोर से पैसा सफेद होना ये कोई नया मामला नहीं है, क्योंकि जांच एजेंसियों ने अभी हाल ही में इस काम में लिप्त कई बैंक मैनेजरों पर कार्रवाई भी की और उन्हें रंगे हाथों भी दबोचा। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिर नोटबंदी का फैसला केंद्र सरकार ने भ्रष्टाचार और काले धन के खिलाफ लिया है, लेकिन अगर सरकारी बैंकों के अधिकारी इस तरह से करेंगे तो क्या सरकार का ये सपना और योजना सफल हो सकेगी? क्योंकि बैंकों के बाहर जो लोग अपने पैसों को निकालने के लिए लाइनों में खड़े होते हैं उन पर तो लाठियां भांजी जाती हैं। यही नहीं, काला धन रखने वाले तो इतने शातिर हैं कि वो अपना पैसा सफेद करने के लिए गरीब जनता को शिकार बना रहे हैं। कहीं ना कहीं आम जनता को कैश की किल्लत ऐसे बैंक मैनेजरों की मिलीभगत के कारण ही आ रही है। सरकार पैसा भेज रही है, लेकिन वो पैसा जनता के पास जाने की बजाय बैकडोर से लोगों तक पहुंच रहा है और परेशान देश की आम जनता हो रही है। JK247 न्यूज के लिए अंबेडकर नगर से ओन अब्बास के साथ नेशनल डेस्क। जी।